बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही जल्द और यमी बनने वाली रेसिपी चिकन 65, जो बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत यमी बनती है। चिकन 65 बनाने के लिए मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसे इस तरह क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया है। 1 teaspoon मैंने ब्लैक पेपर, 1 teaspoon रेड चिली, 1 teaspoon नमक और 1 teaspoon ही मैंने हल्दी ली है। गरम मसाला हमें चाहिए 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 2 tablespoon मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1/2 teaspoon हमें सिरका चाहिए, 1 green chili, 1 tablespoon गार्लिक हमें चाहिए, 1 छोटा सा ऑनियन लेके मैंने चॉप कर लिया है, 1 egg और 1 tablespoon ही हमें राइस फ्लोर चाहिए। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। 1 tomato हमें चाहिए, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। 1 मैंने बॉल ले लिया है, उसमें मैं चिकन को ऐड कर दूँगी। ज़ीरा पाउडर, हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। सिरका मैंने जो लिया है उसे भी इसमें ऐड कर दूंगी, राइस फ्लोर, कॉर्न फ्लोर, हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हाथों की मदद से इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। वन एग इसमें डाल के अच्छे से मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी, ताकि हमारे मसाला जात अच्छे से पूरे चिकन पे लग जाएं। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, अब इसको 1/2 hour के लिए मैं साइड पे रख दूँगी। 1 मैंने पैन ले लिया है, इसमें 2 cup मैंने ऑयल ऐड किया है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। अब 1 by 1 हम इसमें चिकन को ऐड करके फ्राई कर लेते हैं। आंच को हम लो टू मीडियम रखेंगे, ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो जाए चिकन हमारी। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अब इसकी साइड में चेंज कर लेती हूँ। अच्छा सा इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इसी तरह दूसरी साइड से भी मैं इसको फ्राई कर लूँगी। चिकन हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसे मैं पेपर टॉवल पे निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा इस पे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसी तरह बाकी की चिकन को भी मैं फ्राई कर लूँगी। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, अब इसका अगला स्टेप हम रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 2 tablespoon मैंने ऑयल ऐड किया है।
अब इसमें होल गरम मसाला ऐड करके हम इसे फ्राई करेंगे। चॉप्ड ऑनियन और गार्लिक भी इसमें ऐड करके मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसका कलर हमने नहीं चेंज करना, जस्ट इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैं लो टू मीडियम ही रखूंगी ताकि जो हमारे ऑनियन है अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएं। ऑनियन को हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं ग्रीन चिली ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं स्पाइसी ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसमें मैं हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, गरम मसाला और सॉल्ट ऐड करूंगी। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब जो टोमेटो का मैंने पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। टू टेबल स्पून इसमें मैं वाटर ऐड करूंगी। वन मिनट के लिए इसे मैं कवर कर देती हूं। मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें मैं फ्राई चिकन ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस और क्विक बनने वाली रेसिपी है। मज़ेदार सा चिकन 65 बनकर हमारा रेडी है। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आप इसे फ्राइड राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।